डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, सब्जेक्ट हिस्ट्री। जैसा कि मैंने कल आपको टॉपिक छोड़ा था, सिंधु सभ्यता की लिपि और विज्ञान। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में एक कांसे की मूर्ति 11.5 इंच सेंटीमीटर जो भी थी उसकी, 2500 मोहरें पाई गई, 17 अक्षरों का सबसे बड़ा लेख पाया गया और एक काली गंगा जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ ज़िले में, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र पाए गए। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय शल्य चिकित्सा भी थी। आज है हिस्ट्री का टॉपिक, वो है आर्थिक उपलब्धियाँ। किसकी? सिंधु सभ्यता में आर्थिक उपलब्धियाँ क्या थी? ये आपका टॉपिक है आज का, जिसमें सबसे पहले है इस सभ्यता के वासियों को, यानी सिंधु सभ्यता के वासियों को उन्नत कृषि, अच्छे ढंग से कृषि करना, पशुपालन करना और उद्योग धंधे और जो व्यापार हैं उसके वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। और इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता में ही सबसे पहले स्वास्तिक, जिसको आप अपन कहते हैं आज शुभ कार्य के लिए साथ या जो मनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। तो नंबर एक है उन्नत कृषि कार्य, अच्छे ढंग से किया जाने वाला कृषि का कार्य, उन्नत कृषि कार्य। इसमें क्या है कि अनु जो बहुत से स्थान हैं उनसे प्राप्त कुछ विशाल अन्नागार, स्टोर रूम, जिनमें अन्न सुरक्षित रखा जाता था, इसके प्रमाण मिले। अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था और जो अन्न का उत्पादन किया जाता था वह ज़्यादा होता था, क्वालिटीड होता था, अच्छा होता था। किन किन फसलों का यहाँ पर, कौन कौन सी फसलें पाई जाती थी? गेहूँ, जो ज्वार, दाल, मटर आदि का यहाँ पर उत्पादन होता था। ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स में देखेंगे कपास है, ये खजूर है, तिल है, चावल है आदि का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। और काली गंगा से कुछ एक अवशेष पाया गया है जिसमें आडी और तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ, जिसमें आडी और तिरछी जो हल रेखाओं से जुता हुआ एक खेत मिला है, जिससे ये प्रमाण सिद्ध होता है, इतिहासकार ये सिद्ध करते हैं कि एक साथ दोहरी फसल, एक खेत में दो दो फसलें एक साथ पैदा की जाती थी, ये इतिहासकारों की मानना है। फिर आता है बेटा उद्योग व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय यहाँ पर क्या क्या या कौन कौन से धंधे विकसित? ताम्र उपकरण, ताम्र का मतलब तांबा, तांबे से प्राप्त कुछ संसाधन, जिसमें है मछली पकड़ने के कांटे, एक हुक्सा होता है, हुक्की से आकृति होती है, वो मछली पकड़ने का कांटा होता है। और ये कौन सी धातु से निर्मित था? तांबे से। आर्या काटने के लिए, तलवार युद्ध करने के लिए, दर्पण शीशा मुख देखने के लिए, छेनी खुदाई करने के लिए या लकड़ी फाड़ने के लिए, चाकू साग सब्जी या मांस वगैरह, भालाग्र, भालाग्र का शब्द क्या है कि भाले का आगे वाला हिस्सा, नुकीला, बर्तन आदि मिले हैं। और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि 11.5 सेंटीमीटर है, 11.5 सेंटीमीटर नर्तकी की मूर्ति है, कांसे की बनी हुई, नृत्य की भंगिमा में नृत्य करती हुई, बैल की आकृति, कुत्ते, पक्षियों की
आदि की कलाकृतियाँ पाई गई हैं। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु उद्योग था वह भी प्रचलित था, और मन का उद्योग, मन के मीन्स मोती मणिये बनाने का उद्योग भी प्रचलित था। लोथल में इसके कारखाने मिले हैं मनकों के। लोथल कहाँ हैं? गुजरात। लोथल कहाँ हैं? गुजरात। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण पाए जाते हैं। मनके जो ये मोती या मनके होते थे, ये सोने के, चांदी के, शैलखड़ी या कीमती पत्थर। शैलखड़ी या कीमती, सोना चांदी आप जानते हैं। शैलखड़ी मैंने बताया कि प्रस्तर पर, पत्थर पर, लाल जो पत्थर होता है उस पर जो चिकनी जो मिट्टी होती है वो होती है शैलखड़ी। और कीमती पत्थर, कीमती पत्थर जैसे आज अपन अंगूठी पहनते हैं, कोई जैसे नीलमणि बोलता है, कोई मूंगा बोलता है, कोई किस धातु को बोलता है ना जो अंगूठी में धारण करते हैं, जो कीमती पत्थर होता है। सीपी ये वर्षा ऋतु में नदियों में खूब पाई जाती है। शंख, ये मकान बनाने की जो डस्ट होती है उसमें आपको छोटे छोटे देखने में खूब मिल जाएंगे। बड़ा साइज का अगर आप थोड़ा देखना चाहेंगे तो वो हर मंदिर में शाम को पूजा के समय शंख बजाया जाता है। आदि भी प्राप्त हुई है। 2500 मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इसकी कितनी मोहरें मिली हैं, 2500 मोहरें। और ये किसकी धातु बनी हुई है? शैलखड़ी के प्रमाण मिले हैं जो कि शैलखड़ी से निर्मित हैं। एक सींग का पशु, अर्थात एक ऐसा पशु जिसे पकड़ माथे पर एक सींग, हाथी, बाघ, घोड़ा और पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे और मानव से संबंधित आकृतियां यहां पर पाई गई हैं। फिर अगला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, किस किस वस्तु का, कौन कौन से देशों का इसके साथ व्यापार किया जाता। व्यापार दोनों ही प्रकार के थे, आंतरिक और विदेशी। आंतरिक, अपने ही देश में जो व्यापार किया जाने वाला है, आंतरिक व्यापार। विदेशी व्यापार, एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार किया जाता है वह विदेशी व्यापार कहलाता है। आंतरिक व विदेशी दोनों प्रकार के व्यापारों का यहाँ पर वर्णन है, जिनमें हैं निम्न, जैसे कुछ रत्न उपकरण, कुछ रत्न पाए गए हैं। रत्न उपकरण, रत्न बनाने के साधन। धातु निर्मित, धातु से बनी हुई कुछ सामग्री। कुछ पात्र, कुछ बर्तन उपकरण और कुछ आभूषण भी आदि भी प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान के गणेश्वर से खेतड़ी के पास पड़ता है, ये नीमका थाना तहसील में गांवड़ी गणेश्वर जगह है, जहाँ की पहाड़ों में उत्खनन से तांबा पाया जाता है जिसको कोपर बोलते हैं। आज वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज भी थी, कोपर के नाम से एक कंपनी भी कार्य करती थी। तांबा, सोना मैसूर, सोना मैसूर कर्नाटक। सोना मैसूर कहाँ है भाई? कर्नाटक। मैप की तरफ से ध्यान रखेंगे, मैसूर में कोलार की खाने हैं, कर्नाटक में कोलार की खाने हैं, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है और कर्नाटक स्टेट में है। और ये गणेश्वर, गांवड़ी गणेश्वर जो मैंने बताया, ये नीमका थाना क्षेत्र में है, और यहाँ तांबा है प्राप्त हुआ है। जिला पड़ता है सीकर, गांवड़ी गणेश्वर। और ये सोना मैसूर कोलार की खाने कर्नाटक से, चांदी विदेश से जैसे ईरान से और अफगानिस्तान से। मणकों के लिए जो कीमती पत्थर मैंने बताया था अभी, मूंगा, सीपी, नीलम जो अंगूठी में धारण करते हैं, हीरा, ये जो कीमती पत्थर हैं ये कहाँ पर मिलते थे? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र से ये मंगाए जाते थे,
और जो बाट श्रृंखला थी, बाट श्रृंखला किसे कहते हैं, जो तोलने का जो साधन होता है उनको क्या कहते हैं, बाट। जैसे बाजार में आप जाते हो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, किलो, ये क्या है बेटा, माप, बाट है। इनकी श्रृंखला 1, 2, 3, 4 श्रृंखला वाइज से होती थी, जैसे ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। फिर आता है सामाजिक जीवन की विशेषता। सामाजिक जीवन, तो इस प्रकार से आज मैं आपको आर्थिक उपलब्धियां, इसमें लोथल गुजरात और तांबे की कर्णत की मूर्ति 11.5 सेंटीमीटर, कुल मोहरे 2500 जो सेल खड़ी से बनी हुई है, तांबा गावड़ी गणेशर, नीम कथाणा सीकर और बाट श्रृंखला सीरीज 1, 2, 3, 4 के प्रकार से, सोना मैसूर में, कर्नाटक में पाया जाता है, और ये था इसका सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति। कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।